हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है क्लास, हम 11th की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी का पेपर आपका 23 मार्च को रहेगा। तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए क्लास में और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे, जिसको आपको क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वगल डांस परफॉर्मेड बाई हनी बेस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कम्युनिकेशन और फूड सोर्स लोकेशन। अभी आंसर कोई मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, हमने जो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा है इसी में से ये आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो आप भी इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको रीड करेंगे, उसके बाद आपके लगाएंगे आंसर लगाएंगे। लेकिन आपको आंसर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को आंसर यहाँ पर हम बता रहे हैं, बस आप समझिएगा इसको। अपार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन व्हाट इज मेंशन्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ हनीबीज टू ह्यूमन डाइट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हनी, हनी आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। जिसके बाद में अगले प्रश्न को हम देखें कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द चैलेंज फेस्ड बाई हनी बीज कलेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा कॉलोनी कलेप्स डिसऑर्डर, आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम CCD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आप यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंसी ऑफ कॉलोनी कलेप्स डिसऑर्डर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में अगले क्वेश्चन को भी हम देखें कि व्हाट इज नॉट मेंशन्ड अस ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इन हनी बी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन। जिसके बाद में भी अगला क्वेश्चन हम देखें, तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्टिविटीज मेंशन इन द पैसेज सच एस प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, टू क्रिएट बी फ्रेंडली एनवायरमेंट, आपका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में व्हाट डज द पैसेज हाईलाइट एज द डेलिकेट बैलेंस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द वेल बींग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि द सिनोनिम्स ऑफ डेलिजेंट इज। तो इसका आपका इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर होगा। और व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ एक्सपोजर। तो एक्स का आंसर हो जाएगा आपका एक्सपोज, आपका राइट आंसर होगा। और व्हाट इज द नाउन ऑफ फॉर्म ऑफ डेलिकेट। तो इसमें
डेली सेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली कैसी आप राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे, डेली कैसी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में हम देखें पैसेज नंबर दो, पैसेज नंबर दो को देखें तो इसमें भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या देना है, नोट्स बनाने हैं और क्या बनाना है, टाइटल देना है, ठीक है। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपको सेक्शन बी में, तो डिज़ाइन ए पोस्टर से नॉट टू ड्रग, तो यहाँ पर नशे से संबंधित आपको एक क्या बनाना है, पोस्टर यहाँ पर बनाना है। जिसके बाद में यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुक बैंक से पुस्तक मंगवाने हैं तो अपने प्रिंसिपल को एक आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यूथ एंड डेमोक्रेसी इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में यूथ एंड डेमोक्रेसी के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। या फिर ए ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार यहाँ पर करना है। जिसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामर से संबंधित सभी क्वेश्चन, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पिलिंदा बिलिंग से मिलेंगे कि सी बोट अम्ब्रेला यस्टरडे, तो इसमें आपका एन राइट आंसर होगा, इस खालिस्तान में क्या आएगा, एन। दूसरा सुनील ओबेज ग्रैंड मदर, तो इसमें आपका मस्ट आ जाएगा, ठीक है, मस्ट आपका राइट आंसर इसमें आपका होगा। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें कि दिस डोर इज मेड वुड, तो इसमें आपका होगा ओप, इसमें ओप आपका आंसर होगा। और हाउ कॉपी इज देयर इज दिस पॉट, तो इसमें मच आपका राइट आंसर होगा, मच, मच आंसर होगा आपका। और आफ्टर मनी चिल्ड्रन कीप्स स्मिता बिजी, तो इसमें आपका लुकिंग होगा, सॉरी लुकिंग इसमें आपका आंसर, लुकिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद में सी प्रेपर्स मिल्क टी, तो इसमें आपका टू आंसर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, डूअर्स डायरेक्ट, यहाँ पर डूअर्स डायरेक्ट दे भी रखे हैं और आंसर भी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको रवि डिड हिज वर्क एड्रोटली, तो यहाँ पर रवि डिड नॉट डू दिस वर्क एड्रोटली, तो पूरा यहाँ पर आपका डूअर्स डायरेक्ट बना हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स्ट्रा 8 है, इसको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर वाट वाच वाव वेव वॉलकर, तो इसमें बोट आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में ये रहा आपका दूसरा, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही होगा। और बाकी हम बात करें सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर लगे हैं, तीसरे में आपका डी होगा, चौथे में आपका सी होगा। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी आंसर आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सभी आंसर लगा दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। पूरा क्वेश्चन पेपर है, बाकी ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आपको यही प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के जो प्रश्न हैं यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ 11-12 में क्वेश्चन है आपके किताब के, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लो और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लो, पूरा याद भी होना चाहिए। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर कर लेना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।